हाय एवरीवन मैं हूं सिद्धार्थ निगम हाय मैं हूं अनुष्का सेन एंड यू आर वाचिंग अस ऑन सिद्धार्थ कनन चैनल एंड सब्सक्राइब राइट नाउ यस नमस्कार स्वागत है आपका सिट कनन के चैनल पे सिट भाई के चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं सिड भाई से और सिड भाई बात करने वाले हैं सिद्धार्थ निगम एंड अनुष्का सेन से क्या बात है पर ये मैं जानना चाहूँगी इस बैग में क्या है जो आप ऐसे पकड़ के रखी है जो आप छोड़ नहीं रही है यार बताओ इसमें क्या है? आपने आपने तेरी अदर टू का टीजर देखा पैसे बहुत है उसमें उसमें क्या था पाँच लाख से छः लाख तक क्या यू नो मेरे ऊपर प्राइस रखा गया है मुझे पकड़ने के लिए इसने मुझे पकड़ लिया है उसी पैसे से इसने इतना महंगा पर्स लिया है पर एक चीज बोलो यार पांच लाख तेरे पर जो रखा है वीडियो में ना इनाम तो कम बहुत कम है।, है तेरे लिए तो मैं पांच करोड़ दे दू भाई मेरे पास चवन्नी नहीं है ये अलग बात है है पर पांच करोड़ तो तेरा ही वैल्यू यार क्यों बिल्कुल इसको कहते हैं खुद को झप्पी दो सब चीज अगर कल सिड निगम भाग रहा है ओके okay? और किसी ने बोला कितना प्राइस डालना है सिड पर तुम कितना डालोगे नहीं नहीं बोला ना प्राइसलेस प्राइसलेस इज नो प्राइस नो प्राइस लेकिन पकड़ोगी ना मैं तुम भाग रहे हो नहीं <laughs> देन पकड़नी जरूरत नहीं तुम कभी भागो ही नहीं तो कौन भागेगा कौन भागेगा साथ आप कितनी खुश हुआ क्योंकि एक साइड सिड दूसरी साइड सिड सिड स्क्वायर क्या बात है बोथ सिड्स अनुष्का यार ये पर एक चीज बताओ तुम्हारे इंस्टाग्राम में तुम कुछ कपड़े बिना कपड़े के फोटो डाले थे जहाँ सिर्फ पत्ते हैं पत्ते हैं हाँ, नहीं 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 हाँ, आ, वो बेसिकली ना मैं एक लुक दिखाने की कोशिश कर रहा था बिना कपड़े वाला लुक जिस पे सिर्फ पत्ते हाँ कि अगर जो मेकर्स हैं अगर उन्हें अगर दिमाग में कभी ऐसा तार्जन जैसा कुछ कैरेक्टर बनाना है तो उनके पास कोई अच्छी फोटो होनी चाहिए मेरी तो मैंने इसलिए उनको रेफरेंस रेफरेंस के लिए फोटो डाली थी अच्छा माने तुम्हें वाले रोल्स कर या लाइक जंगल बॉय मोगली और समथिंग लाइक दैट सो या

थोड़ा दिखना चाहिए हाँ मैंने एक पैंट पहनी हुई है लेकिन उसने क्रॉप करके मुझे इमेज दी डालने के लिए पर एक चीज बोलो तुम पत्ते भी पहन के घूम अच्छा फीसिंग अच्छा बनाया भाई बिल्कुल, ने यार बिल्कुल हार्ड वर्क बहुत हार्ड वर्क है यार तो तुम्हें हक है कि तुम पत्ते इसलिए मैंने रखे अगर मन रखा तो ये पहन के कर लो शो कोई टेंशन नहीं भाई जब बोलो रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे अपन नहीं 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 ठीक है वो ये लास्ट टाइम तुम लोगों ने ट्रेंड मारा था तेरी आदत में राइट तुम लोग बचपन के दोस्त हो अब मेच्योर अप्स हो गए हो

और अच्छे समझने लगे हैं चीजों को एक दूसरे को तो इट्स अ गुड थिंग या या वी हैव इवॉल्वड एज फ्रेंड्स यू हैव राइट डेफिनेटली तुमने yeah. क्या चेंजेस नोटिस किए इसमें जेन्युइनली चेंजेस मतलब यू you नो know, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लगती है हमारी कन्वर्सेशंस जो है वो अभी यू you नो know, हम समझ रहे हैं चीजों को एक तो द बेनिफिट इज दैट वी बिन वर्किंग बचपन से ही इस इंडस्ट्री में है ना उसने बहुत अच्छा किया अपना काम किया आय बिन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग तो वो जो डिस्कशन होते हैं कि यू नो वॉट इज़ योर प्लान फॉर द फ्यूचर यू नो लेट्स डू दिस वी कैन डू दिस तो एक काम का वो भी डिस्कशन होता है यू गेट इंस्पायर्ड लाइक आई फील वेरी मोटिवेटेड वेन एवर आई टॉक टू सिट और आई सी हिम वर्किंग आई फील वेरी इंस्पायर्ड एंड ऑल्सो बिसाइड्स दट बी ऑल्सो हम आर यू नो हमारी मस्ती होती रहती है सो आई लव दैट कॉम्बिनेशन दट हैज़ इवॉल्व इवेंचुअली हमारे फ्रेंडशिप में और और तुम तो मुझे बताओ वैसे ही तुम फील करते हो अनुष्का के बारे में भी आई फील द सेम और मैं एक चीज़ ये भी मैंशन करना चाहूँगा कि पहले और अब में चेंजेस ये हैं कि पहले अगर जैसे कभी कभार आपको लगता है ना कि आई नीड सम वन जिसमें बात करके यू नो आई कैन टेल माई थिंग्स और शायद मुझे कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए तो पहले ऐसा लगता था कि यार हम भी छोटे हैं वो भी छोटे हैं हम कैसे बात करें यू नो वी हैव ऑलवेज लुक आफ्टर आर पेरेंट्स की शायद इनसे बात करते हैं उनसे बात करते हैं बट अभी ऐसे ऐसा नहीं अनुष्का इज़ ऑल्सो यू नो उसने भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं तो आई थिंक अगर मैं कुछ डिसाइड करना चाहता हूँ मुझे लगता है कि पूछना चाहिए तो आई हैव दैट थिंग नाउ आई कैन कैन कॉल हर हर एंड एंड आस्क शी गिव मी गुड गाइडेंस एंड शी कैन टेल मी समिंग विच हेल्प मी इन माई डिसीजन हाउ स्वीट हाउ स्वीट ये मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं मुझे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बहुत पसंद है ठीक है क्लैरिफाई करना हो <laughs> परंतु और किंतु सारे बहुत अच्छे हैं

आज really? yeah, आज भी you know, so good, but, uh, आज भी अपनी मम्मी पापा के साथ शी goes एवरीवेयर मतलब आई जस्ट बिलीव कि uh, हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं mm -hmm. हम जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम अपने माता पिता तो को ही भूल जाते हैं तो अनुष्का ने कल एक बहुत अच्छी बात मेरे से कही कि आई थिंक फर्स्ट हमारी जो जिम्मेदारी है ना अपने माता पिता को पूरी दुनिया घुमाना चाहिए mm -hmm. तो मैं भी अपनी मम्मी को हमारा पहला मेरे मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि मैं अपनी मम्मी को पूरी दुनिया घुमाऊंगा उसके बाद मैं घूमूंगा एंड द सेम थिंग टू सेम ईयर दैट्स आई गो थिंगयर विद माई फैमिली पहले मैं अपने माता पिता को पूरी दुनिया घुमाऊंगी एंड देन मैं खुद घूमूंगी तुम्हारा सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा तो, तो तुमने लिखा था कि 15 कंट्रीज घूमे अपने पेरेंट्स के राइट राइट और ये मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ मुझे पार्टी इसके लिए बुलाते हैं हाँ. पर मुझे अगर लगता है मेरी और वाइफ है ना घर में तो मैं बाहर मन ही नहीं लगता यार घुमाएंगे <laughs> right? uh, फिर हम लोग घूम हाँ. लो लेंगे हाँ. लेकिन पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी uh, वो इतने अच्छे हैं उन्होंने पूरे जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अभी भी बहुत काम बाकी है बट जब मेरे वो दिन थे कि यू नो कुछ भी नहीं हो रहा था एकदम बेस नहीं है यू नो वैन जस्ट मेकिंग न्यू इन द इंडस्ट्री तब दे वर देर यू नो दे वर देर ईच एंड एवरी डे वो सोते नहीं थे जब मैं नहीं सोती थी दे यूज टू बी देर फॉर मी एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल आवर तो अब जब मैं वैन आई एम केपेबल ऑफ यू नो डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक रूमिंग द होल वर्ल्ड अफकोर्स दे डिजर्व दैट हैप्पीनेस फर्स्ट एंड देन इट कम्स टू इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दे Sacrificed everything for everything. Us. हाँ. So, अब हम जब बड़े हो जाते हैं जब हम हम केपेबल बन जाते हैं <coughs> खुद से चीज़ों को करने के लिए तो हमें yeah. नहीं भूलना चाहिए उन्हें yeah. हमेशा उनको साथ में लेके चलना चाहिए और पार्टी वार्टी हो गई आप जाते हो आप करते हो लेकिन एक होता नहीं है कि नहीं आज मैं अगर केपेबल हूँ तो मैं अपनी मम्मी को या अपने पेरेंट्स को पहले यू you नो know, hmm. वो खुशियाँ देना चाहूँगा जो उन्होंने बिल्कुल हम जब हम छोटे थे तो उन्होंने सारी वो खुशियाँ जो मिस करी हमारी रेस्पॉसिबिलिटी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक बच्चे को समझना चाहिए इनफैक्ट कहा जाता है कि बाद में ना एक स्टेज आता है जब पेरेंट्स बच्चे हो जाते इट्स अ साइकिल द साइकिल फाइट इज एब्सोल्यूट इनफैक्ट लोग कहते हैं ना कभी-कभार मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चे लोग इंपेशेंट होता थे पेरेंट्स के साथ तो मैं उनको एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि इंपेशेंट कैसे होते हो जब तुम बच्चे थे और ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे थे हाँ। मम्मी पापा कैसे बैठ के समझाते थे इट्स ओके इट्स फाइन और जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो हम उनके साथ पेशेंस लूज करते चुण। चुण। मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम सिड के साथ बात किया था उनकी माँ एक साइड में बैठी थी कैमरा पे नहीं थी और ये जब भी बात करता तो रो रही थी बम 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 मैंने कहा ये लड़का कुछ भी बात करता है इमोशनली मम्मी वहां रोती है नहीं आई जस्ट आई जस्ट लव हर लॉट मतलब वो आज मतलब मैं कुछ भी अचीव करता हूँ सबसे पहले आंसू आप उनकी आंखों में देखेंगे क्योंकि आई हैव सीन हर स्ट्रगल जब हम लोग कुछ भी नहीं थे तो आई हैव सीन हर स्ट्रगल कितना स्ट्रगल करती थी कितनी मेहनत करती थी तो दैट्स आई शी इज़ माई रोल मॉडल शी इज़ माई इंस्परेशन शी इज़ दी स्ट्रोंगेस्ट वूमेन आई हैव मैंने देखा है हालाँकि तुम लोगों ने बहुत धन भी कमाया है दोनों ने बट मैंने देखा है तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भाई <laughs> Uh, भाई मीन अभिषेक तुम्हारा भी भाई है बिल्कुण, बिल्कुण। <laughs> तो सब बड़ा सिंपल है जैसे इनके पेरेंट्स से भी मिलोगे तो इनके इनके फादर भी ऐसे बड़े क्वाइटली शांत है एंड ऑल दैट राइट किसी का भाई किसी की जान अभिषेक दादा ने कहा कि वो विश करते हैं कि शायद तुम्हारा रोल थोड़ा लंबा होता मुझे भी ये जेन्यूनली लगा ओके तुम आए तुमने वो एक्शन <laughs> वाला सीन किया एंड ऑल दैट जो भी मैंने तुमको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने तुमसे बात किया जब मैंने फिल्म नहीं देखी थी बट आई रियली फेल्टेन्यूनली कि तुम्हें और मिलना चाहिए था तुमने sure. भी हर्ट किया था कि नहीं और जेन्यूनली बोलो एंड इट्स ओके इट्स नॉट अबाउट द फिल्म मेकर्स इट्स नॉट अबाउट बट तुम्हें भी लगा कि और दिखना चाहिए था तुम्हें आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मतलब इसमें कुछ भी ऐसा कोई फिल्टर नहीं है बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट आई फेल्ट वेरी हैप्पी फर्स्ट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सलमान सर Hmm. क्योंकि उस टाचर तक उस वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली फ्रॉम हिम सो इट वॉज अ बिग बिग थिंग फॉर मी एंड रही बात की आई थिंक ऊपर वाला डिसाइड करता है uh, मेरी जब खुद की फिल्म आएगी वेर आई विल बी इन दैट यू नो पूरा आप मुझे देखेंगे दैट्स साय अभी सब कुछ नहीं दिखाना चाहते एक मेरी जब खुद की फिल्म आएगी दैट दैट टाइम आई नीड एवरीबडीज सपोर्ट एवरीबडीज लव आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉर तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ और मैं अपने भाई के लिए और अपनी मम्मी के लिए मैं शाहरुख खान हूँ मैं सलमान खान हूँ मैं yeah. सब कुछ हूँ और मैं सिद निगम हूँ yes! वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बट आई लाइक इट यू नो जैसे मेरे माता पिता जब मैं यंगर था वो मुझे हमेशा कहते थे यू नो सिद्धार्थ ये

जब अनुष्का तुम ट्रैवल करती हो तुम बहुत ट्रैवल करती हो तुम कोरिया में एक hmm. फिल्म भी कर रही हो जी. तो क्या तुम मिस करते हो सिद्धार्थ को एज अ फ्रेंड जब तुम ट्रैवल करती हो नो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं अभी भी ट्रैवल कर रही थी जब uh, मुझे पता था कि मैं वापस आते ही हमारे प्रमोशन uh, शुरू होंगे uh, तो मुझे पता था कि ओह वी आर यू नो अगेन मीट एंड यस्टरडे वी एट डिनर आल्सो तो वी स्पोक ऑफ कोर्स मिस माय फ्रेंड्स अ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग मुझे अच्छा लगता है कि मैं वापस आते ही मिलूं द क्वेश्चन इज तुमने मुझे मिस किया अपनी ट्रिप में <laughs> सच्चे दिल से, सच्चे सच्चे दिल दिल से मिस तुमने मुझे मिस किया या नहीं किया मैंने एक, एक तो से अच्छा। तो जा, जा, पे एक हो रहे थे मतलब कोई आदमी तो सिद्धार्थ निगम की याद आई जलता कुत्ता दिख रहा है तो सिद्धार्थ निगम की याद आई दो आदमी चल रहा है तो सिद्धार्थ निगम की यहाँ पे कोई उछल रहा है तो सिद्धार्थ वो एक कला है

कोई नहीं <laughs> मैं बोलता हूँ इसके बारे में ठीक है इसकी माता जी बेस्ट <laughs> फ्रेंड हाँ। है इसकी हाँ सबको मालूम है अभिषेक भाई भी इसका बेस्ट फ्रेंड है सो योर पेरेंट्स या पर मुझे लगता है ये लड़का बहुत 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 इमोशनल लड़का है बिल्कुल है और बिल्कुल। ये इसके हंसी मजाक ये सब हाँ। करता है आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व वन फ्रेंड जो फैमिली नहीं है अभिषेक दादा जो इसके साथ हमेशा बीच बीच में टच रहे और Depth वाली बातें है 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 ना? और इसके में मुझे लगता है तुम वो रोल बहुत अच्छी तरीके से फिट करते है। <laughs> तो मेरा ये <laughs> कभी-कबार इसको फोन कर दिया कर बीच बीच में जब करें क्योंकि uh, ये इसको he needs that, यार। ऑलवेज देयर

Uh, मैंने कहीं सुना है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग लोग कहते हैं इनकी <laughs> इनकी गैंग है जो है ना वो जन्नत हो आया हो और जो mm -hmm. दोस्त है वो अब इतने करीब नहीं रहे हैं इज व्हाट आई गेट टू हियर एंड एंड दे से दैट नॉट कोई किसी का दुश्मन नहीं है ऐसा नहीं कोई ये नहीं कहता बट कहते कि क्योंकि ये लोग सब अपने स्टैचर में ग्रो हो चुके हैं थोड़ा कॉम्पिटिशन वाला एलिमेंट आया है तो ये लोग क्लोज है पर उतने क्लोज नहीं है सी आई आई जस्ट करेक्ट यू इन दैट एक्चुअली इट्स नॉट कॉम्पिटिशन इट्स जस्ट ग्रोइंग अप इन लाइफ लाइक क्या होता है ना आप इतने बिजी हो जाते हो ना अपने काम को लेकर हाँ. हमें वो कॉन्सटेंटली हम जैसे ही मिलते हैं ना हम लेकिन अरे सिद्ध आदमी नी टू बी इन टच है वी हैव टू मेक दैट एफर्ट वो हमारी कॉन्वर्जेसन हो गई है सिमिलरली जन्नत ऑल्सा हम कॉन्स्टेंटली लाइक टेलिंग की ना मैं वापस आ रही हूँ लेट्स प्लान इट आउट हमारे शेड्यूल्स इतने डिफिकल्ट क्योंकि अगर मैं फ्री हूँ ये फ्री नहीं है या जन्नत फ्री है तो मैं फ्री नहीं हूँ

उतना टाइम नहीं दे पाते फिर सबको हाँ। तो वहां से लगता है कि ठीक है हमने एक साल बाद बात करी या दो महीने बाद बात करी लेकिन ऐसा है कि जब भी बैठते हैं बात करते हैं तो ऐसा लगेगा कि चार घंटे पहले मिले एप्सिलुट मतलब ये मतलब मैं अभी भी जन्नत से मिलती हूँ ना मुझे अभी भी ऐसे ही लगता है कि जैसे हम पहले मिलके बात करते थे अभी भी एकदम वैसा है

इसके बाकी कुड़ियां न, उनके साथ <laughs> नहीं? नहीं, स्वीटली अगर तुम बोलोगे तो मैं रखूंगा नहीं तो कट कर दूंगा हाँ, पटवल तो एक बार ये मेरे साथ चल रहा था मैं कई हम लोग चल रहे थे शायद हम लोग आईफा का टाइम था या कुछ था अबू धाबी में मेरे साथ चल रहा था बोलूं आपसे याद है तुम्हें क्या क्या ये मुझसे बोला एक चीज बोलू ऐसे सेड

क्या तुमको लगता है कि तुम तुम लोग सक्सेसफुल हो mm -hmm. इसी वजह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलना मुश्किल होता है आई थिंक यू नो हमेशा एक करियर आपका प्रायोरिटी होगा ही मेरे लिए वो प्रायोरिटी हमेशा है कि एटलीस्ट फॉर नाउ आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने काम पे फोकस करूं बट इट्स नॉट लाइक हम दोनों मैनेज नहीं कर सकते मुझे लगता है जो सही इंसान होता है ना उसके साथ वो

तो hmm. वो रिलेशनशिप एक एकने एक दिन टूटना होता है जहाँ yeah. पे कोई फोर्स नहीं है जहाँ पे एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जस्ट डूइंग यू नो खुद से सामने वाला भी खुद से कर रहा है वो अपने आप चलता रहता है फिर yeah. वहाँ पे आपको कोई कुछ भी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है आई लव यू आई मिस यू वो अपने आप अपने आप आएगा जैसे ऑर्गेनिकली दोस्त बनकर ऑर्गेनिकली हाँ जो चीज़ें ऑर्गेनिकली yeah. होती है जिसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा फोर्स नहीं लगता कुछ भी चीज़ करने के लिए वो रिलेशनशिप अपने आप बन जाता है वो आपको पता भी नहीं correct, चलेगा यू विल रियलाइज लेटर ऐसा रे यार हमारी शादी हो गई हो <laughs> ये शायद तुम दोनों के साथ भी हो सकता है भाई बात तो सुन लो ऑर्गेनिकली दोस्ती हो जाती है टाइम स्पेंड करते हैं फोर्स नहीं करते और एक दिन हो गई शादी भी हो गई तो क्यूपिड ये है क्यूपिड ये तेरी देखो सोचो तो सही ऑर्गेनिकली दोस्ती बचपन वाला सडनली ये वो पता चला शादी हो गई यार

तुम मेरे पति हो वा? ये कब हुआ चलो 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 सिट करन के इंटरव्यू लगाते करे? जब हर बार हम लोगों ने ना कहा अच्छा। नहीं नहीं हम तो वो शूट कर रहे थे ना अच्छा वो वेडिंग शूट नहीं था ओ ये बहुत अच्छा मूवी का कॉन्सेप्ट है हम ये कर सकते हैं क्या हां वैसे रोम-कॉम इसको रोम-कॉम ये मूवी बन सकती है हमें करना चाहिए था मैं कसम खाता हूं बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूं हाँ। जो मेरे जो दोस्त थे कॉलेज में थे इधर उधर घूमे कोई जेन्यूनली ऐसे हिंदी फिल्मों में होता है रॉम कॉम्स होता, हाँ। होता है वो पढ़ लिख के इधर उधर गए ये हो गया किसी का एक रिलेशनशिप टूटा किसी का दूसरा रिलेशनशिप टूटा बाद में पैंतीस साल की उम्र लोग ना डन हम <laughs> लोग का वो केस होने वाला है मुझे लग रहा है <laughs> <laughs> अब ये सोच रहे हैं मनी मन में

बहुत यार आई एम टेलिंग यू सडनली एक लड़का चल रहा होता है मैं एक चीज बोलूं आपसे बोलो, बोलो हां मैं, बो, मैं सिंगल बहुत सिंगल <laughs> हूं <laughs> बहुत एक तो ये बहुत सिंगल क्या होता है अरे यार ये नहीं पता मुझे क्योंकि मैं ऐसे बोलती हूं मैं सिंगल हूं बहुत सिंगल, 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 सिंगल हूं क्या होता है ये जान बहुत सिंगल मतलब बहुत सिंगल इट्स लाइक वो सबसे बड़ा कुछ नहीं इतने सारे लिंकअप्स पता चला एक के साथ भी सिर्फ बेस्ट कुछ नहीं है सब बेस्ट फ्रेंड है तो वो था बहुत सिंगल लिटरली कभी-कभी जैसे मेरे जो मेरे एक दो स्कूल फ्रेंड्स हैं कॉल करते हैं अगर मैं बोलता हूँ कि यार आज मैं यू you नो know, आज मैं अनुष्का के साथ गया हूँ डिनर पे या फिर किसी के साथ तो अच्छा अच्छा नहीं बोला ओ मैंने कहा ओ क्या कर रहा है कुछ नहीं नहीं यार मैंने तो देखा था मैंने कहा बट hmm. तो एक चीज बोलू मुझे लगता है तुम तो लोग क्यों सिंगल हो मुझे ये लगता Haan. है क्या, हो और यंग हो hmm -hmm. जैसे मैं जब तुम्हारे एज का था इफ आई लाइक गो एंड से मेरा नाम ये है हाँ. आपका नाम क्या है एंड डू ट और मैं डायरेक्ट जा सकता था और कैजुअली बात कर सकता था मुझे लगता है आप लोगों के साथ में जो आपके हम उम्र है ना वो थोड़े तो इंटरबनेट होते होंगे क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग प्रोफेशनल्स है अच्छा काम करते हैं फॉलोइंग इतनी है सेलिब्रिटीज है हुँ. तो ये जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं तो बड़े इंटरमीडिएट होते होंगे क्योंकि कोई बंदा कॉलेज में बैठा होगा कैंटीन में कोई तफरी मार रहा होगा कॉफ़ी शॉप में और आप लोग लगे हो तो तो लोग फील करते होंगे टू तो टू कम अप नहीं hmm. तो आपके एज ग्रुप में लोग फ्रीली बात करते हैं ना आई फाइंड यू क्यूट या ये अब कैसे तुम आ खड़ी हो किसी लड़का तुमको क्यूट फाइंड करता है चार बार सो ये तो अनुष्का है अनुष्का से मैं क्या बोलूँ नहीं कर कितनी बार तो हो। ऐसा होता है कि मेरे से चार पाँच साल छोटे बच्चे जो होते हैं अब मेरे से छोटे तो बच्चे ही होंगे वो एकदम छोटे वो जब बोलते हैं ना आई एम सो फेड अप यू नो मेरी गर्लफ्रेंड है मैं ऐसा क्या है